हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कोई रात रात नहीं हुआ है, बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की यह पटकथा एक साल पहले लिखी जा चुकी है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति और इनकी इच्छा शामिल है। यह रहस्य उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीएम पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। मनोहर लाल खट्टर शनिवार को समालखा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पहुंचे थे। समालखा जीटी रोड पर स्थित लोकसभा चुनाव कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीतने के साथ साथ समालखा विधानसभा सीट भी जीतने का संकल्प दिलाया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की टीस को बयां करते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि समालखा विधानसभा सीट ऐसी है जहां बाराती तो बहुत है। पूर्व सीएम कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि अब की बार सिर्फ कमल के फूल को दूल्हा मानकर मतदान करना है, तभी चुनाव जीत सकते हैं। 9.5 साल तक प्रदेश में सीएम रहे मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा का एक हरियाणवी एक के आधार पर संपूर्ण प्रदेश का एक सम्मान व भेदभाव के विकास किया। इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण छोक्कर व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय छोक्कर ने संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर को भारी मतों से लोकसभा चुनाव जिताने का संकल्प लिया। हाँ भी त्याग की भावना हमने अपने नेताओं को भी बतानी है, कार्यकर्ताओं को भी बतानी है, जनता को भी बतानी है। त्याग से प्रसन्नता ज्यादा होती है। कोई चीज हमारे पास है उसको छोड़ के देखो, मन से छोड़ के देखो, कोई छीन ले तो दुख होता है, मन से छोड़ के देखो तो बहुत आनंद आता है। इतना आनंद चीज को प्राप्त करने में नहीं आता जितना छोड़ने में आता है। यह है तो आध्यात्मिक बात, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अनुभव होगा कि अपने हाथ से छोड़ी हुई चीज को आनंद मिलती है। तो मैं यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं को तो कह रहा हूँ, साथ में नेताओं को भी कह रहा हूँ, बारती घने हो रहे हैं, सब त्याग कीर्ति से आ जाना, एक को जो चुना जाए उसके पीछे सब लग लेना, सब लग लेना। हमें समालखा की विधानसभा जीतनी है इस बार, कि इस उत्सव को सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराना है। इस उत्सव के समय अपने इस लोकसभा का चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ एक और विषय भी है जो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है जो अपने प्रदेश में परिवर्तन हुआ। बाकी जगह तो केवल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, या उस परिवर्तन के कारण से भी कुछ नई व्यवस्थाएं बनी है, इस पर भी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात की अगर चर्चा करूं तो जैसे 9.5 साल दो टर्म में आप लोगों की सहायता पूरे तन मन मनोयोग से हमने की है, पूरे मनोयोग से की है, पूरे हरियाणा को एक मान करके, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका सम्यक विकास, किसी इलाके को बहुत ज्यादा और किसी इलाके को बहुत कम ये हमने नहीं होने दिया। थोड़ा उम्मीद से किस हो सकता है कि जहां के कार्यकर्ता विधायक थोड़ा ज्यादा चुस्त होते हैं वो जाकर के जल्दी काम करा लाते हैं अपना, जो थोड़ा कमजोर घर बैठे रहते हैं उनका काम होता है, थोड़ा लेट होता है। कई जगह पर अपने सत्ता पक्ष के विधायक हैं या हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सपोर्ट करते रहे, आगे हो सकता है नहीं भी कर रहे, ऐसे भी हैं कुछ लोग, और कुछ जगह एकदम विपक्ष के हैं, तो अलग अलग जगह पर उनका प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन हमने अपने पहले कार्यकाल में भी जो पहली कलम से एक बात सभी विधायकों के लिए की थी, चाहे वो किसी भी पक्ष का था, विधानसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि आप 90 लोग चूंकि आए हैं, सभी को, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का है, सहयोगी है, इंडिपेंडेंट है, सबको ही 5-5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था कि अपने इलाके में काम करा लो। उस समय यहां के विधायक इंडिपेंडेंट विधायक थे रविंद्र माछरोल, उनको भी दिया था, और यही क्रम हमने अगले विधानसभा में भी किया था, इस सत्र में भी किया था। कह दिया प्रधानमंत्री जी को समय रहते कोई नया अपना अच्छा कार्यकर्ता उसको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी चाहिए। लोगों तो को तो लगता है कि रातों रात एकदम कैसे हो गया, रातों रात नहीं हुआ है, साफ केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से और मेरी अपनी इच्छा से। उन्होंने मुझे भी पूछा कि कौन कौन अच्छे लोग हैं, मैंने कहा बहुत हैं,
इनमें से छांट लो, कोई भी छांटना, और जिनको छांटा है मुझे अच्छा, मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि एक ऐसा नौजवान जो बिल्कुल कॉलेज से निकलते ही पार्टी कार्यालय में आके करने लगा मैंने पार्टी की सेवा करनी है, एक पूर्ण कालिक की तरह 1995 में मेरे साथ काम करना शुरू किया था, और आज जो भी हमारा उसका एक व्यवहार, आपस में काम करने का, सख्त नरम बात करने का, संजय भाटिया जी अगर होते तो वो आपको बताते, मैंने 2 दिन पहले ये कहा कि देखो काम करते समय छोटी मोटी बातचीत में हो जाती है ऐसी बात, किसी को डांट लगा दी, फटकार लगा दी, थोड़ा मेरा स्वभाव भी है, मैं बड़ा सख्त स्वभाव का आदमी हूँ, देखने में तो नरम लगता हूँ लेकिन बातचीत करता हूँ तो जब कोई सामने बैठा मैं उसको छोड़ता नहीं। अक्षरात पुराने चुनाव लड़े हुए ऐसे प्रत्याशी, हाँ उसमें से किसी एक को पत्रकार मित्रों ने पूछा कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर गए, यहाँ तो चुनाव लड़ने वाले पहली बहुत बड़ी बरात है जैसे यहाँ है, तो बता देते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बरात है पहले से, आपका नंबर कैसे आएगा? तो कहले देखो नंबर आए चाहे ना आए, लेकिन जहां चुनाव लड़के हारना है वहां से तो जान छूटेगी, वहां से जान छूटेगी, यहां इनकी मदद कर देंगे, जो लड़ेगा मेरी बारी आ गई, आ गए नहीं आ गए नहीं आ गए, और यहां किसकी बारी आ जाए किसी को पता नहीं, बराबर के भी लोग होते हैं ना, जब सेंटर के लोग फैसला करते हैं 2-3 लोग वहां भी कई बार कहते हैं भाई बराबर के हैं क्या फैसला करें, तो फिर वो प्रधानमंत्री जी को छोड़ देते हैं, भाई आप टिका दो उंगली कहां, उनकी उंगली वहां टिकती है जिसके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।